देखिए, ये आपका Test 3 का डिस्कशन हो रहा है। आप सारे छात्र जो टेस्ट दिए आज, और उसी टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पर कराया जा रहा है। आप मिलाएंगे कि हमारे आंसर से आपका आंसर कितना मैच किया है, इससे पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही बना और कितना गलत बना, कितना नहीं बन पाए। उन सारे बातों का स्टडी हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना समझना पड़ेगा कि हमसे क्या गलती हुआ, वो गलती अगले टेस्ट में नहीं करना है। चलिए, आज बोलता है कि a+b के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ताकि संख्या क्या दे रहा है, 4a 0 6 7 b, ऐसा 11 से डिविजिबल हो। बोले अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो इसका अर्थ क्या है कि आप यहाँ पे अल्टरनेशन करते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए ऐसे और इधर से ऐसे, मीनिंग है ये आ गया a+b+6 ऐसा एक तरफ, और 4 और 7 11, ठीक है, ये सीधे लिख देते हैं 11। अब बोलिए यहां पर अगर 0 लाना होगा तो ये आपका 11 है तो ये 11 बनेगा, तो a+b का मान एक बार 5 आ जाएगा ये। और एक बार और आपको हम दिखाते हैं कि a+b+6 और माइनस में 11 है, तो यहां अगर 11 आ जाए तो भी 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए यहां पर 11 लाने के लिए अगर ये 11 है तो ये 22 होगा, तो यहां पर 16 बनेगा a+b, तब 16 6 22। 16 तो पॉसिबल है क्योंकि 9 7 है ना, उसी तरह से जो भी आप चेंज करके लाएंगे तो 16 पॉसिबल है क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 है और 7 ऐसा, तो 9 7 16 ये आ सकता है। इसका अर्थ क्या है कि आज इसके आगे अगर 22 लेंगे तो यहां पर 33 लाना पड़ेगा, तो ये फिर a+b 27 है, और दो सबसे बड़ा अंक 9 9 को भी जोड़ेंगे तो 27 नहीं आ सकता है, मैक्सिमम 18 आ सकता है, और अगर वो अलग नेचर का होगा तो मैक्सिमम 17 ही आ सकता है 9+8 से। इसका अर्थ है कि आप ये मान प्राप्त कर लिए। बोला a+b के सभी संभावित मान, तो बोले एक संभावित मान ये है a+b का और एक संभावित मान a+b का ये है, तो इसका फिर बोला योगफल ज्ञात करें, मीनिंग है आप जो है 5 और 16 को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर जो लगाएंगे 21। बोले 5 भी है 16 भी है, लेकिन बोला इन दोनों को जोड़ करके बताइए, इसलिए हम पहला का यहां पर सीट टिक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर। बोले ये आपको जो ना बराबर पूछा जाता है, खास करके एसएससी के सीजीएल में, सीपीओ में, इन सारे जगह पर। कुछ भी नहीं है, बॉर्ड मैस का नियम मेंटेन करना, जिसमें कि आप जानते हैं जैसे भी बॉर्ड मैस इतना बड़ा नियम आपको होता है, सब जानते हैं ये, ऐसा जिसमें ये एक लाइन होता है संख्या के ऊपर, इसका एक्शन सबसे पहले, और भी ब्रैकेट्स होता है, 3 तरह का ब्रैकेट्स आपको दिया गया है ऐसे, ओ ऑफ होता है हिंदी में का बोलते हैं, और ये आपका डी डिविजन होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये एडिशन होता है, और ये सब्ट्रैक्शन। लेकिन हिंदी में का भाग और गुणा, बस इतना बात याद कर लीजिए कि इस ऑर्डर में आपको मेंटेन करके रखना है, मीनिंग कोई गलती ना करें, पहला एक्शन इसका, फिर दूसरा इसका, फिर तीसरा इसका, तो कोई गलत नहीं होगा इसमें। और ब्रैकेट जहां पर बोले आज इसका कैलकुलेशन तो सब सही ही करता है, उसमें ब्रैकेट के अंदर है तो उसी को सॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि ये इसके साथ लोग कैलकुलेट करते हैं। खैर चलिए, अब हम यहां पर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोले 5 3 15 1, भरभली करिएगा, 5 3 15 में गया 14, 14 में से आप 3 घटा देंगे, तो 14 में 3 घटाइए 11/5, क्या किए 5 3 15, 116 था, सॉरी एक सेकंड जोड़ना था, चलिए क्या था 5 3 15, 116, 16 में से 3 गया तो 13/5, और गुणा कर देंगे ये उल्टा हो जाएगा 5/5 ऐसा। अब ये बट्टा में लगेगा, ठीक है, और वो बट्टा में आप लगाइए तो क्या होगा, यहाँ से 8/7 तो है ही, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो रहा है, देखिए 1/7 गुना में 5/7, तो आपका यहाँ पे 6/7 माइनस, ये 6/7 है और माइनस, ठीक है, 1/ऐसा यहाँ भागा है। चलिए अब 6/7 मैंने बोली इसको गुना कर देंगे 5/7 हो जाए, 5/1 से 5/7 हो गया ऐसा। अब ये अगर देखा जाए तो क्या है, 13/8 ऊपर में आ गया है, ये तो कट गया है, और बट्टा में यहाँ से 8/7 तो है ही, और गुणा करेंगे तो बोले ये 1/7 मिलेगा 7/ ऐसा। अब यहाँ से 7 भी कट गया तो 13/64 आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी डील कर दिया गया, बॉर्ड मास का नियम मेंटेन करना है, ब्रैकेट का काम पहले होगा, और का भाग और गुणा का काम उसी के अकॉर्डिंगली करना, उस ऑर्डर में करना है। चलिए अब क्वेश्चन बोलता है कि किसी समूह के 10 आदमी की औसत 81 वर्ष है, 12 वर्ष के बाद उन सभी आदमी की औसत आयु कितनी होगी, तो औसत आयु, तो बोले आज 81 जो है ना, 81, इसी 81 में आपको 12 जोड़ देना है, आपके प्रश्न का आंसर हो गया 93 इयर्स। ये आपका बहुत अच्छा ट्रिक है, और ये ट्रिक कब लगेगा उसको ध्यान से सुनिए।
बोले 10 आदमी का औसत उम्र 81 वर्ष है और सभी 12 वर्ष के बाद में, तो बोले सभी व्यक्ति ना 12 12 वर्ष बढ़ेगा, तो 10 व्यक्ति 12 12 वर्ष बढ़ेगा तो औसत भी 12 ही वर्ष बढ़ेगा। इसीलिए हम इस जगह पर न्यू एवरेज का कंसेप्ट आपको दे देते हैं। न्यू एवरेज इक्वल्स टू में ओल्ड एवरेज माने पुराना औसत, यहाँ पे प्लस 12। अगर सभी में 12 साल बिफोर बोलता तो 12 घट जाता सभी में, तो एवरेज 12 घट जाता। ये डायरेक्ट आंसर इस जगह से आप ला सकते हैं। अब अगर बनाना चाहते तो क्या होता कि 10 आदमी के लिए एवरेज 81 है तो टोटल 810 साल है। ये 10 आदमी 12 साल के बाद बोला तो 12 12 साल बढ़ेगा ना, तो 120 साल बढ़ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 3 हो गया और 9। लेकिन बोले 930 में आदमी तो 10 ही रहेगा, इसीलिए हम सॉल्व करेंगे तो 93 जो यहां पर आया था वही यहां पर आ गया। तो आपके प्रश्न का आंसर चलिए 3 नंबर के बाद अगले प्रश्न 4 नंबर को देखते हैं और आप अच्छा परफॉर्म किए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का है, लेकिन इसमें क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके बनाना आपके लिए बेटर होगा। आज गौर से देखिए, कह रहा इसमें प्रत्येक में एक्स घटा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती होगी। तो नियम तो ये है इसका, अगर बेसिक में जाएंगे ना तो 54 में एक्स घटा दीजिएगा, 49 में एक्स घटा दीजिएगा, बट्टा बराबर 22 में एक्स घटा दीजिएगा और 21 में एक्स घटा दीजिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा, एक्स का मान 14 आएगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा जो क्वेश्चन का ये डिमांड है। लेकिन बोले हम इतना काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा मान है, गुणा करने में आपको टाइम किल होगा। इसलिए ऐसे हर क्वेश्चन में यहाँ पर नियम होता है कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे घटाते हैं। तो बोले आप घटाएंगे क्या और किस पर विश्वास करेंगे? बोले एक घटाएंगे 53 होगा आपका, ये यहाँ एक घटेगा 21, वो और छोटा नहीं होगा, तो गलत है। 2 3 4 दो घटाएंगे 52 होगा, दो घटाएंगे 20 होगा, तो ये आपका फिर जो है ना ये 26 होगा, 20 ऐसा, तो वो बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम बढ़ते जाएंगे ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम बढ़ते जाएंगे अचानक में जब 14 यहाँ पर, ये आपको अंदाज से बढ़ के पकड़ लेना है तो ऐसा। लेकिन ये 14 जो माना है ना, ये रेयरली इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा माना गया, अदरवाइज ये थोड़ा छोटा ही होता है जनरली, ठीक है। तो ये 40 हो गया, यहाँ से घटा देंगे तो 5 हो गया, तो ये आपका 35, और यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 8 और यहां से घटाएंगे तो 7 ऐसा। बोले इसको 5 से काटेंगे 8:7, ये मैच हो गया ना 8:7 8:7 ऐसा, तो ये बिल्कुल सही है। मीनिंग है 14 ही आपका x का मान हो गया, मीनिंग है x बराबर में 14 निकल गया। अब जब x 14 इतना जल्दी निकल जाएगा ना, तो आपको फिर सॉल्व करना है क्या, तो वो बोल रहा है कि 8x और माइनस में 25 ऐसा, और फिर यहां पर रेशियो है ना, ये थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं है अभी, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ से 7x होगा और माइनस में 26, इसी का रेशियो पूछा गया। तो बोले आप यहाँ पर x का मान 14 रखे हैं, तो 14 8 112 हो गया, माइनस में 25 हो गया, और यहाँ से 14 7 98 हो गया और माइनस में 26 हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 12 में से 5 गया 7 और 10 में से 2 गया 8 87, और यहां पर 8 हो गया 78। अब इसको काट लीजिए, तो बोले 3 से काटेंगे 29 और 3 से काटेंगे 26, आप 29:1 26 3 78 है ना, 29:1 यहां पर, एक सेकंड 12 में से 5 गया 7, 26 3 78 3 से 29, थोड़ा सा कहीं पे फॉल्ट लग रहा है, एक बार कैलकुलेशन हम और अच्छे से देख लेते हैं। बोलिए जब हम यहां से इसका ऑप्शन केवल देख लेना पड़ेगा, चलिए, और इस जगह पर 29 24 15 13 27 26, चलिए एक बार कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिए क्या आ रहा है। जब हम यहाँ पर 14 लेस करते हैं तो ये तो मैच कर रहा है, इसी में पहले देख लीजिए 14 8x 25 है और यहाँ पे 7x 26 है। तो बोले जब 14 से 8 को गुणा करेंगे तो 14 8 112 हो गया, अब यहाँ से आप घटाएंगे तो 12 में से 5 गया है 7, और ये आपका 10 में से 2 गया है 8 हो गया, 7 5 12 8 2 10 11 सही है। और यहाँ पे 14 7 98 हो गया, तो 8 में से 6 गया, यहीं पे गलत आ गया है, देख रहे हैं ये यहाँ पर। तो बोले 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा ना ऐसे, अब इसको काट लेंगे तो 24, चलिए 29:24 आपके प्रश्न का आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सलाह यह है कि कभी भी इस पर मत जाइएगा, आप जो है ना अपने मन से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन से देखकर। नॉर्मली बता रहे हैं कि 2 3 4 ही घटाना या जोड़ना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्न में, ये पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि थोड़ा बड़ा मान जोड़ना पड़ा। चलिए एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35% लड़कियां हैं। तो बोले गर्ल्स का संख्या 1400 का
35% है, तो यहाँ पर 14 5 70 हो गया और 14 3 42 7 49 हो गया 14, ठीक है, ये गर्ल्स है। अब 1400 में आप जो है ना ये घटा दीजिएगा, तो बोले ये आपका जो है ना 500 घटा देंगे तो कितना है, 9 5 14 900 मिलेगा, 810, 8 4 9 10 ना, 9 4 13 1 14, चलिए 910 यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया। बोले 1400 में 410 घटा दिया तो 910, 9 4 13 और 1 14, ठीक है। अब ये बॉयज है, क्वेश्चन बोलता है कि इस 910 का है ना 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुए और कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ इसका 20% लीजिएगा फेल और 490 लड़की जो है उसका 10% फेल, और बट्टा में तो आप देख ही रहे हैं कि 1400 हो जाएगा ये जोड़ करके और गुना में 100। तो बोले अब यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंट से 2 0 कटा तो ये आपका 2 2 9 18 हो गया, और यहाँ से आपका जो है परसेंट से 1/0 कट जाएगा 49 हो गया और बट्टा में 14, यही आपका आंसर है। 9 2 11 हो जाएगा, 18 4 22 21 हो जाएगा, 14 से भाग लगाना पड़ेगा, 14 से 1 4 14 लगेगा 90 होगा, 14 6 84 हो जाएगा 5 हो गया, आपके प्रश्न का आंसर 16.5 हो गया। चलिए कैलकुलेशन आप अपना कर लेंगे, पांचवा का भी आंसर हम लोग ले आए जो ऑप्शन डी आ गया 16.5। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पर, क्वेश्चन बोलता है, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक रिनोवेशन भी है इस क्वेश्चन में, मैंने नयापन है। जैसे देखिए बोलता है राधा अपनी आय का एक्स परसेंट बचाती है, बोले 100 रुपये का इनकम है, इनकम में खर्च होगा बचेगा ऐसा, तो खर्च हो गया 100 माइनस एक्स, बोला इनकम जो है 28% बढ़ा तो अब 128 हो गया, और खर्च जो है और व्यय 20% बढ़ा तो ये 100 माइनस एक्स जो था ना, ये 100 माइनस में एक्स ये 20% बढ़ जाएगा, तो हम 6/5 से इसमें गुना कर देंगे ऐसा, और ये बराबर में बोलता है कि उसकी बचत में 40% की वृद्धि हुई, 40% वृद्धि का मान 7/5 ऑफ एक्स हो गया। तो बोले आज ये जो इक्वेशन बना इससे हम सॉल्व करेंगे, 128 होगा और 5 से इसको काटेंगे 26, कितना 26 120 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा आपका 6/5 एक्स बराबर में 7/5 एक्स हो गया। बोले यहाँ से ये आपको जो है ना 8 हो गया और इधर में ये घट जाएगा तो 1/5 हो गया, इसलिए एक्स का मान निकल गया 40। क्वेश्चन बोला ना कि यहाँ पर कि क्या बोल रहा है, बोलिए एक्स का मान बताइए, एक्स परसेंट बचत है, तो यही एक्स का मान 40% बचत है जो आंसर आ गया। टिक लगा के रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया गया है जो पूछा जाता है, उसी में बोलने का तरीका थोड़ा इसमें बदल दिया है बस। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेच दिया, बोले 4/5 पर बेचा, अंकित मूल्य 1 यूनिट रखिएगा, तो उसको 3.3% का लॉस मिला, तो बोले आज 100 में 3.3% आप ऐसे लिख के घटाएंगे है ना ऐसे, तो इतना परसेंट बचेगा, हम लोग भरवली घटा लेंगे तो 96.2% हो गया, 96.2%। अब बोले 4/5 का मान कितना हो गया, तो 3 6 18 2 20 3 9 27 2 29/3 ऐसा इतना परसेंट, लेकिन बोले निश्चित मूल्य पर बेचता तो क्या मिलता, तो 290/3 और गुना में 5/4 इतना परसेंट, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये क्या रहा, 4 यहाँ से 4 से 2 से काट भी सकते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 145 बार, 14 2 28, अब 5 5 25 हो गया, 70 2 72 हो गया, 3 2 6 हो गया, कितना गया आपका 5 5 25 3 2 6। चलिए अब क्या है, 12 6 72 और 5/6 मैंने कहा यहाँ पर जो है ना, एक सेकेंड फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये मान मेरा आता कितना वो चीज़ केवल देखना है, तो देखिए आज इस जगह से जब इसको काटे हैं क्या 2 से 2 बार में, ठीक है, और 2 से यहाँ पर 2 5 10 14 2 28 ऐसा है, 5 5 यहाँ पर आ गया, 5 5 25, और फिर यहाँ से जो है आपको जो है 14 5 70 2 72 और बट्टा में ये जो है ऐसा आ गया, ठीक है। अब बोलिए इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें तो फिर 21 समथिंग आएगा, तो बोलिए आज 20 आ गया 720 और दशमलव में आपका 50 तो 6 8 48, बोले आज ये इतना परसेंट रिकवरी जब होगा तो 20.8% ज़्यादा है, मैंने कहा ये नियर अबाउट आपको 21% जो यहाँ पर आप लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ गया है, अब अगले प्रश्न 8 नंबर पर आते हैं। चलिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला 75 का जो एसपी होगा वो आपको 60 का सीपी के बराबर होगा, तो उसका अनुमानित लाभ यहां नहीं पड़ते। बोले सीपी के साथ लगामान छोटा है, सीपी के साथ लगामान 60 है, एसपी वाला में 75 है, तो सीपी के साथ लगामान छोटा होगा ऐसे तो आपको लॉस मिलेगा, इसीलिए लॉस ही निकलेगा। तो यहां पर न लाभ न हानि गलत है और चलिए लॉस निकलेगा। लॉस कितने परसेंट का, तो दोनों का अंतर लेते हैं जो 15 हो गया, बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या, तो 75 और 15 5 20%। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए लग जाएगा। चलिए 8 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आपका डिस्कशन हो रहा है टेस्ट 3 का, आप जो भी छात्र दिए हैं निश्चित रूप से आप इसको फॉलो करिए, जो नहीं भी दिए हैं घर पे एक बार अपने से देख लीजिए। ए एक कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बोला बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से, तो बोलिए ए बी और सी कैपेसिटी यहां पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, मीनिंग है ऐसा हो गया, ठीक है, कुशल है, और सी बी से 50% ज्यादा है, मीनिंग है सी इस बी से 50% ज्यादा। बोले 50% ज्यादा का अर्थ होता है यहां पर 3/2, मीनिंग है यहां पर 125 गुणा में 3/2 ऐसा लिखते हैं। बोले क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, 25 से 4, 25 से 5, अब 25 से 5 तो ये 15/2। अब यहाँ से कैपेसिटी बन गया 8, 10 और 15, इससे हम टाइम निकालेंगे जो इसके इन्वर्स में आएगा, इन सभी का एलसीएम 120, तो यहाँ 120/से 120/से और ऐसा, मैंने कहा तीनों के लगने वाले समय का अनुपात यही है। आज बोले एक का समय आपको दिया है ना 33 दिन, तो 15 इकाई का मान 33 दिन दिया है, ठीक है, एबीसी ऐसा। बोले 15 इकाई अगर 33 दिन होता है तो ये तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कैसे, पहले इन सभी का एलसीएम 120 होगा, अब 15 से 8 बार में, 12 से 10 बार में और 8 से 15 बार में, इसी का मान निकालना है, तो 33/15 और गुणा ऐसा 120 और बट्टा 15, 10, 25, 33, ये आ गया 8 ऐसा। तो क्वेश्चन रहा कि एबीसी मिलकर के एक साथ संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये 8 दिन निकल गया, 15, 8, 120, तो 8 आपके प्रश्न का आंसर। इसको भी टिक लगा लीजिए एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए। 9 के बाद आते हैं 10 नंबर पर। चलिए 10 नंबर में क्या बोलता है, एक आदमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टिक लगा, सारा क्वेश्चन अच्छा ही होगा ना, क्योंकि यही पूछेगा, जो छात्र टेस्ट नहीं दे रहे हैं अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, घाटे में रहेंगे। बोले 12,000 रुपये की राशि उधार ली और एक वर्ष बीतने पे 4,800 रुपया वापस किया, फिर एक वर्ष आगे और बीतेगा, मैंने शुरू से 2 साल तो ऐसा वापस किया है, और बोला कि सालाना ब्याज दर क्या होगा, तो ये ऑप्शन से बनेगा ज़्यादा बेटर होगा। बोले अगर हम 10% ऑप्ट करते हैं जो 11/10 है, तो पहला एक साल में दिया गया, एक साल में एक बार उल्टा गुना, दूसरा जो है आपको 2 साल के बाद दिया गया तो 2 बार उल्टा गुना, और इसी को आप जो है ना जोड़ करके देखेंगे, तो ये कैलकुलेशन से आपको आना चाहिए पूरे 12,000। अगर ये 12,000 के बराबर आ जाता है जिसे कर्ज लिया था, तो बिल्कुल सही है जो आपको आ जाता है, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, आप 10/11 ये कॉमन लेकर के बढ़ जाइएगा तो यहां पर आ जाएगा पूरे, है ना, 12,000 और बराबर 12,000 ऐसा, ठीक है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही दिख रहा है, आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद आ, क्या बोले, जो वृद्धि में मान होगा ना उसका जो भी मान है ऐसा वृद्धि में लीजिएगा, और एक बार में, एक साल वाले में एक बार उल्टा गुना, 2 साल वाले में 2 बार उल्टा गुना, आपके सिलेबस में 3 साल तक दिया है तो 3 बार उल्टा गुना। चलिए बेसिक से मत बनाएगा, चूंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब आइए, बोलता है किसी समूह के सभी व्यक्तियों की औसत है 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष ज्यादा। बोले 35 तो है गलत औसत, और 2.5 वर्ष अगर यहां पर घटा देंगे, चूंकि 2.5 वर्ष ज्यादा है, तो 32.5 जो है ना ये आपका सही औसत है, ये गलत औसत है। क्यों ऐसा हुआ, ये गलत है ये सही, 2.5 वर्ष का फर्क आ गया एवरेज में, क्यों, क्योंकि 29 आपका क्वेश्चन जो बन रहा है वो यहाँ देखिए, 29 और 22 को अगर जोड़ा जाए तो 9, 2, 11, 51 आपको ना के बजाय, ये सही था, के बजाय वह क्या किया 39.5 और 40 दर्ज कर दिया, तो ये 78.5 गलती से ले लिया, कितना बढ़ा दिया वो देखिए यहाँ पर, तो ये तो 5 होगा ही, 8 में से 7 और 7 में से ऐसा, मीनिंग है 27.5 ज्यादा टोटल आया, उसके कारण एवरेज जो है 2.5 ज्यादा टोटल हो गया। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर 11 हो जाएगा जो यहां पर दिख रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप इस तरीके से बना लिए। 12 नंबर को भी देखिए, चलिए
हमारा प्रयास है कि आप सारे छात्रों को मंजिल तक पहुंचाएं। उसके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखिएगा। एक जार में दो तरल ए और बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंक बदल कर पूछा है। हमारे असाइनमेंट में यही क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है, इसमें अंक केवल बदल दिया है। 10 लीटर मिश्रण, बोले 10 लीटर मिश्रण निकलेगा तो ए और बी थोड़ा थोड़ा बाहर होगा, ए ज़्यादा बाहर होगा, बी कम बाहर होगा, और वापसी 10 लीटर बी से कर दिया तो हिसाब ए से करना है। बोले ए और बी ऐसा और ए और बी बाद में कैसा हो गया, यह अनुपात 2:3। बोलिए मात्रा सेम होना चाहिए, तो अभी तो 4:1:5 और ये 2:3:5 सेम है, इसीलिए हम सीधे यहां पर देखेंगे कि 2 इकाई का कमी बट्टा में 4 क्यों, तो 10 लीटर बाहर किया गया, 1 का मान निकल गया 20 लीटर। लेकिन क्वेश्चन ये तो मिश्रण, सही मिश्रण इतने का ही था, सही मिश्रण, लेकिन क्वेश्चन बोला कि मिश्रण मत बनाइए, बोला प्रारंभ में तरल ए कितना था, तो बोले इस 20 लीटर के मिश्रण में तरल ए था 4/5, तो आपके प्रश्न का आंसर 16 लीटर हो गया, जो यहाँ पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को भी टिक लगा लीजिए, हमारे एलिगेशन चैप्टर को उलट करके देखिए, ऐसा 2 क्वेश्चन उसमें दिया गया है। चलिए 13 नंबर क्या कहता है उसको देखिए, बोलता है कि एक कार 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है 1.8 आवर में। बोला कि इसकी गति में 20% की वृद्धि हो जाए तो कितना समय लगेगा। बोलिए इसका कोई यूज नहीं होगा, ट्रिकी अप्रोच है ना, एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच, कंपटीशन हॉल में कैसे बनाएंगे। बोले आज ये जो बोला ना कि चाल अगर 20% बढ़ा दिया है, जो 6/5 हो गया, तो समय इसके विपरीत लगेगा, मीनिंग आप 5/6 कर देंगे, 6×3=18, 1.5 कितना गया, तो कितने समय में दूरी तय हो जाएगी। यहाँ पर फिर करिए, कितना बढ़ा है, 20% की वृद्धि होती है, तो 6/5, 5/6, 1.5, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो बोलिए 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर, हम देख लेते हैं यहाँ पर 144 किलोमीटर, जब इसकी गति में 20% की वृद्धि हो जाती है, कितने समय, अच्छा दुगुनी कर दिया, तो ठीक है इसी में हम डबल कर देते हैं, यहाँ पर अब डबल, तो हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर डबल के कारण आंसर तो आ ही चुका था, तो ये 3 लगा देंगे जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए कोई डॉट नहीं है इस हिसाब से, केवल यहाँ डबल बोल दिया था। चलिए ये इतना अच्छा ट्रिक है, आप आराम से इससे बनाएंगे। 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पर। चलिए 14 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी द्वारा 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटा अधिक लेता है, यदि ए अपनी गति को दुगुना कर देता है, वह समान दूरी को तय करने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है, तो बी की गति कितनी। देखिए ये ऑप्शन में सारा बी है, तो हम ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के लिए। ऑप्शन में जब देखिए डिजिट कैसा लेना, देखिए 160/72 से ईजिली नहीं कटेगा, इसलिए हम उसको छोड़ करके ये 80 वाला लिए। अगर 80 लेंगे बी की चाल, तो बी को लगा 2 घंटा, और बोले 2 घंटा, तो यहां पर क्या बोलता है 8 घंटा अधिक, मीनिंग है 160 में यहां पर 8 घंटा अधिक, तो 8+2=10, मीनिंग है ये ए की चाल है ना, ये ए है 16 किलोमीटर/आवर, और बी की चाल 80 किलोमीटर/आवर ऐसा। तो अब यहां से बोलिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए अपने गति को दुगुना कर देगा, तो बोले 16 दुना 32, तो 5 घंटा लगेगा, तो क्या बोला, एक होता 5 घंटा लगेगा, जो आपको जो ना यहाँ से जो है इस 2 घंटा से कितना ज्यादा 3 घंटा अधिक ऐसा। तो बोलिए मैथ तो कर ही गया कि जब स्पीड डबल किया तो इसको बी से 3 घंटा अधिक लगता है, इसलिए इसी कंसेप्ट से इसको बनाएंगे। और ऑप्शन से चूज करने का तरीका का भी हिंट किए कि नॉर्मली ऐसा लीजिएगा जो पूरी तरह से इजिली काटेगा उसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, बोलता है कि पाई चार्ट बना हुआ है इसमें, और बोलिए आज यहाँ पर आपको ये घटा करके ये नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर्किल जब बन गया तो 360 डिग्री में यहाँ शायद 58 आ जाएगा, हम वो देख लेते हैं, वो नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है ऐसा 58 डिग्री। देखिए यहाँ से 4, 3, 7, 2, 9, 8, 17, 3, 20, फिर आपका 6, 7, 13, 2, 15, 7, 22, 5, 27, 9, 36, 360 हो गया। तो चलिए अब क्या बोला कि इस प्रकार से ABCD में वितरण किया गया है, कर्मचारी टोटल 9000 है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करके बताना है जो क्वेश्चन का डिमांड होगा। ए विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 61। बोले आज बोलिए आप सीधे क्या लिखेंगे कि 360 डिग्री का मान 9000 है, इसलिए 1 डिग्री का मान 25 हो जाएगा। कैसे, आपका देखिए ये 0-0 कट ही गया ऐसे, 9 से 4 बार में 100, 4, 25, मीनिंग है 1 डिग्री का मान 25 आ गया, 25 के बराबर। अब आइए क्वेश्चन बोला ए में काम कितना करा 64, तो आप लिखेंगे 64 गुना में 25 है ना, ए में जो काम कर रहा है ये ए हो गया, और ये
ए का मान जो है ए में काम करने वाले को एक्स से डिनोट किया, तो हम इसको ए नहीं बल्कि अब एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है, एक्स हो गया। फिर बोलता है कि विभाग सी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या हुआ है, तो बी और सी जब लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मीनिंग है आप लेंगे 3, 2, 5 और 7, 7, 14 145 और गुना में 25, इसको वाई बता रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि वाई माइनस में 2x बताए, तो बोले वाई तो यही 145 गुना में 25 है और माइनस में 2x, तो एक्स जो आप देख रहे थे इसका डबल कर देते हैं ऐसा ये, और इसी को केवल आपको सॉल्व कर लेना है, तो शायद यहाँ पे 925 आएगा, एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि यहाँ पर ऑप्शन में तो सब जगह लिख दिया ना, नॉलेज नहीं है, तो इसी को हम सही करेंगे, लेकिन परहैप्स ये 925 करना पड़े, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन करने पर, 25 हम कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है, ये 25 और ये 25 कॉमन, तो रफ करें तो 25 कॉमन चला गया तो 145 हो गया, और यहाँ पर आपको जो है ना 128 हो गया, क्या हो जाएगा 25 कॉमन 128, तो 25 हो गया और यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है, 7, 8, 15, 12, 1, 3, 14। अब बोले यहाँ से 17, 5, 85 हो गया और 17, 2, 9 कितना गया 34, 8 है, ऐसा नहीं कुछ गलत आ रहा, y माइनस 2x का मान है ना, तो y में कितना आ गया था आपको फिल कर लीजिए, हाँ 145 3, 5, 2, 5 और 7, 7, 14 ऐसा, अब 145 गुना में ऐसा ऐसा, तो 25 जब हम कॉमन लेते हैं तो 145 बनता है, यहाँ पर 128 बनता है, एक बार फिर से आप कर लीजिए, तो इसमें यही जो है ना इस जगह पर एक फॉल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर सुधार कर लेते हैं। बोले एक यूनिट का मान आपको यहाँ से जो है ना 0, 0 कटा है, 9 से 1, 9 से 4 तो 25 बार में, तो आपसे क्वेश्चन रहा कि ए में कार्यरत 64 गुना में 25 हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है, ऐसा एक्स का मान, और यहाँ पर सम्मिलित जो है इसमें ऐसा, तो क्वेश्चन बोला है कि वाई माइनस में 2x ऐसा, तो वाई तो यही है और माइनस में हम यहाँ से 2x कर दिए, तो एक्स जो था ऐसा डबल कर दिए, अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करके यहाँ से फाइनल आंसर दे देना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट आप अपने से एक बार करके देख लीजिए, है ना, तो ये जो है 925 ही मेरे ख्याल से आता है। अब बोलिए अगर हम कैलकुलेट पूरा करके आपको दिखाते हैं, तो आज बोलिए आपका टोटल 9000 दिया है, यहाँ ए विभाग में कर्मचारी एक्स है, तो बोलिए 64 गुना में अगर आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसके लिए 64 गुना में 25, तो ये कितना है बोलिए 25 × 4 1,600 हो गया ना, 25 × 4 100, 25 × 6 150 ऐसा है, तो ये तो हो गया जो x का मान निकला x का, और यहाँ पर क्या हो रहा है b और c किसका पूछा, ये ध्यान से दें, c और e है, हम b और e ये कर दें इसीलिए फर्क आ रहा है। चलिए यहाँ पर क्या है ना, वो c और e बोला है, गौर से देखिए तो क्या है c और e, तो c ये है ये और e ये गलत लिखा हुआ है, तो चलिए c और e ऐसा, तो 3, 2, 5, 9, 7, 16 165 रखिएगा, यहीं पे फॉल्ट है, ठीक है, ऐसा 165, तो चलिए 925 तो आना ही है उसको, यहाँ पर 165, तो बोले ये 165 हो गया, 165 अच्छे से लिख लीजिए, आप कॉपी पे अच्छे से लिखिए 165, ठीक है 165, और तब ये 25 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है ना इसी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एक बार फ्रेश कर लीजिए जो बात क्वेश्चन बोला, ठीक है ऐसे ये। चलिए अब यहाँ पर आइए, क्वेश्चन बोल रहा है किसका वो पढ़िए, सी तथा ई में कार्यरत कर्मचारी वाई है, तो सी और ई लेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा 2 और 3 5 और 9 और 7 16 165, इसको 25 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 165 × 25 और इसी में घटाएंगे, यहां से जो आपको ए का मान था ना, तो 64 गुना में 25 और गुना में फिर 2 ऐसा, तो अब 125 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना 165 हो जाएगा ऐसे, और 25 कॉमन है तो 128 हो जाएगा, अब ये 25 हो जाएगा और गुणा में 15 में से 8, 7 हो गया, और यहाँ पर ऐसा इसी को गुणा करिए 15, 7, 175, 75 और 17 है ना, 75 और 17 जो है आपका जो है 91, 92 ऐसा है ना, 925 यहीं पे फॉल्ट था, चलिए खैर वही बात बोला गया। अगला प्रश्न 16 नंबर में क्या करना है उस बात को फिल करिए, देखिए 16 आज क्वेश्चन फिर ये बात बोल रहा है कि दंड आरेख में ऐसे से पुरुष और महिला, तो पुरुष कौन है वो देख लीजिए, बायां साइड पुरुष है यहां सिंबल से, यहां से, और ये महिला है, ठीक है, संगठन सी डी ई में
मिलाकर है ना, संगठन सी डी ई में मिलाकर काम करने वाले पुरुषों की संख्या, तो सी डी ई में ब्लू वाला लीजिएगा, सी डी ई में ब्लू है ना 325 है, 275, 150 है, तो 325 लेंगे, 275 लेंगे, 150 लेंगे, 5 5 10 होगा, 7 9 1 10 5 15, 3 2 5 1 6 1 7 ऐसा। और बोलता है कि एबीसी में मिलाकर महिला कर्मचारियों के बीच अनुपात, बोले एबीसी में महिला कौन बायां साइड, तो आपको 300 है बायां में, 275 है और 250 है एबीसी में, क्या क्या बोले 300 275 और 250, 5 7 5 12 3 4 7 1 8, इसी का रेशियो बोला गया है। बोले 25 से इसको काटा जा सकता है, 25 से 30 बार में, अब 25 3 75 हो जाएगा, 35 बार में 75, 25 3 75, 25 3 75, 3 से काटिए, 10:11, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दो क्वेश्चन लगभग आपको देता ही है बार एंड ग्राफ, मैंने जो भी बोलते हैं ग्राफ टेबल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान, बोलिए 3 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में, और इसी से 5 मिनट लगा जिसको ऐसा गुणा कर दिए तो सेकंड, मीनिंग आज ये जो है ना डायगोनल हो गया, जैसे क्वेश्चन ऐसा बात बोला है इस प्रकार से, तो ये डायगोनल है ना, तो आपको मैदान का क्षेत्रफल के लिए हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए और यही आपके प्रश्न का आंसर शायद ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आपका मान थोड़ा बड़ा आ रहा है, यहां से देख सकते हैं ना, 3 से 6 बार में, 6 से 10 बार में, तो 250 हो गया, 125 ऐसा, और उसी का स्क्वायर, और फिर ऐसा ना एक बार देख लीजिएगा है ना, 5 5 25 25, यहां पर 2 बार आ जाएगा ना, वो चीज देखिए ऐसे लिखा हुआ है, देखिए क्या रहा, 5 5 25, 250, फिर 250, और यहां पे आपका ऐसा, तो 125 और फिर आपको 250, देखिए तो क्या रहा, 0 25 5 125, 300 ऐसा, 332, एक बार फिर से देखिए 0, ये कैलकुलेशन केवल देख लीजिए ना, क्या रहा है 0 25 5 125, ठीक है 0 25 5 125, 25 दुना 50 और 125 का 12 जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है, हाँ 3125 वही आ रहा है। अब बोलिए इस जगह पर आप जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो 0 हो गया और आप 125 यहाँ पर है, 25 से केवल गुणा कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका 25 5 125 बोले ही थे, अब 25 12, 300 हो गया और 12 सही है। चलिए अब अगला प्रश्न, जो आपका आंसर तो कर ही दिए थे, 18 नंबर, ठीक है, कैलकुलेशन है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको करना है तो अच्छे से जितना बनाएंगे, गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है, इस प्रकार से है ना, तो शंकु के आकार का है ऐसा, अब इसमें जिसके आधार का व्यास दिया हम रेडियस आधा करके लिख दिए, हाइट दिया 1.75 ये भी लिख दिए, अब यहां पर क्वेश्चन बना कि कपड़े से बनेगा कितना कैनवास, तो यहां पर कपड़ा से जब ये घर बनेगा तो इसमें कपड़ा नहीं लगेगा, इसलिए CSA और CSA का मान पाई आर एल होगा, 22/7 बैठाइएगा, रेडियस आपको मालूम है, और एल यहां पर आपको हम केवल लिख देना है, जो एल ये एल है, तो एल कैसे निकलेगा, तो 1.75 का होल स्क्वायर होगा और प्लस में यहां पर 4.2 का होल स्क्वायर ऐसा, तो ये 5 मानिए 2 मानिए, तो क्या है 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर ऐसा 30, तो मैंने 5 से करीब ऐसा, तो आपका 7 6 42, तो इसलिए इसमें आंसर जो है ना मेरे ख्याल से ये फाइनली आ जाएगा 60.06, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लेंगे इस प्रकार से 60.06, क्योंकि यहाँ से 7 6 42 आ रहा है ना, तो आपको जो है 132 बीच में आ रहा है, तो 13.2 आ रहा है ऐसे, और गुणा में ये जो है ना 4 के समथिंग आता है, मैंने 4.5 के लगभग ऐसा ना, ये नियर अबाउट बोल रहे हैं, ये नियर अबाउट ऐसा है ना, तो इसके अनुसार आप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बोले जब आपको x प्लस 1/x का मान 4 दे दे और यहां पर आपको जो ना x स्क्वायर का मान पूछ देता है ऐसे, तो आप करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस में 2 जो 14 बनता है, फिर इसी से अगर आप ये वाला एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम 4 का क्यूब करते हैं और माइनस में 4 × 3, तो 64 में ये आपका 12 गया, तो 52, ठीक है, 4 का क्यूब 64 4 3 12 52। अब यहां पर क्या है, इन दोनों को म्यूचुअली गुणा करना पड़ेगा, तो ये चीज आपको यहां पर आ जाएगा, जिससे आप यहां पर x पर 5 पावर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, x पर 5 पावर, फिर ये x और ये 1/x ऐसा, और तब यहां से जब बढ़िएगा ना, तो यहां से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 14 दुना
28 हो गया, ठीक है, 14 दुना 28, 14 पाँच 70, 2 72, इसका मान 4 घटेगा तो आप जो आंसर देंगे x पर 5, 1 बाय x पर 5 ऐसा, तो 4 इसका घटेगा तो 724 में टिक लगा दीजिएगा, यहां पर देख रहा है। चलिए 20 नंबर, आप सारे छात्र जो है कमेंट भी क्या करेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर, बोला x माइनस 2 बाय x का मान अगर 15 दिया है तो स्क्वायरिंग से निकल जाएगा ना, तो आप जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा माइनस में 2 ए बी ऐसा, और 15 का स्क्वायर 225 में ये 4 ऐड हो जाएगा तो आप आंसर जो है ना 29 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 225 में 4 जोड़ेंगे तो 229, गौर से देखिए 229 है इसमें। चलिए 20 के बाद आप आ जाइए 21 पर, बोले ये तो एक सीधा फॉर्मूला है, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको याद है कि प्रथम एन नेचुरल नंबर्स का योगफल एन एन प्लस 1 बाय 2 होता है, तो आपके एसएससी में क्वेश्चन ही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वही क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है कि किसी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, जो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसीलिए ये भरबली आप कर लेंगे 5 इकाई जो यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए ये भी हमारा आंसर आ चुका है। 22 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर पर, 23 क्या कहता है इसको देखिए, बोला यदि एबीसी केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार एंगल, हाँ तो बोले ये एक सर्कल ऐसा बना देंगे उस पर आधारित क्वेश्चन दिया है, और उसमें बोला कि बीओसी 84 डिग्री है, वो केंद्र है बीओसी, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ये 84, और बोलता है कि यदि एसी को बिंदु, यहां पर बीओसी और क्या बोला है एंगल बीओसी 84 डिग्री है, यहां पर ए लगा दीजिए, ठीक है, बोला एसी को, है ना, एसी को आप बढ़ाइए बिंदु डी तक, ऐसे इस प्रकार बढ़ा जाता है कि बीडीसी 40 डिग्री है, तो बोले आज यहां से लेंगे तो एंगल बीडीसी 40 हो गया, ये 40, ठीक है, और ये 84 है, तो बोले अब यहां से क्वेश्चन बोलता है कौन सा एबीडी, है ना, तो बोले आज यहां से एबीडी अगर बोला तो ये पूरा एंगल आपसे मांग रहा है, ये पूरा, तो बोले अगर यहां पे 84 था तो एक नियम क्या है कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि के कोण का डबल, इसलिए ये 42 लगा देना था। अब बोले जब आप एंगल एबीडी निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में आपका 180 में 42 डिग्री और ये जो है 40 डिग्री वो घटेगा, और इसी को जब घटाएंगे तो 40 40 80 102 कम होकर 98 डिग्री मस्ट बी द राइट आंसर। चलिए 23 के बाद आइए 24 नंबर पर, बोले ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि साइन थीटा अगर 2 साइन थीटा माइनस 1 के बराबर है तो इससे आप प्लस माइनस कर लीजिए इसको उधर भेजकर, तो साइन थीटा का मान 1 हो गया और इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। बोले आपको यहां पर 1 प्लस में कॉसेक थीटा और बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, तो इसका अर्थ क्या है कि 1 प्लस कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा भी ले लेंगे तो भी ऐसे, या कॉसेक 90 भी लेंगे तो आ जाएगा, और यहां पर कॉस 0 जब लेंगे तो कॉस 0 का मान कितना 0, ठीक है। अब यहां एक सेकंड, एक सेकंड, यहां देखिए इस जगह पर देखिए, अब क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा, तो बोले आप जब साइन थीटा का मान देखते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है और ये आपका घटते जाता है, ठीक है, इसी प्रकार से, तो यहां से जो है ना अब इसके लिए 90 दिया है ना, 0 नहीं है 90 है, तो यहां पे 1 और माइनस में कॉस 90 का मान इस जगह से ऐसा करके 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये जी, है ना, साइन का मान 0 से 1 और इसका मान 1 से 0 ऐसा, तो कॉस 90 का मान 0 लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन आपसे बोलता है कि गलती से एक धनात्मक भिन्न का उल्टा लिखा गया, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, है ना, ये सही था ये गलत टाइप हो गया, और इस प्रकार इतना परसेंट मान कम हो गया, मीनिंग है एक्स बट्टा वाई जो है ये इसका वैल्यू इतना परसेंट कम हो गया है, ठीक है, तो पहले 175 बट्टा 4% को ब्रेक कर लीजिए, तो ये 175 अब बट्टा में 400 है और इसको छोटा करेंगे 25 से 7 बार में, 25 से 16 बार में, तो 7 बट्टा 16 हो गया, ठीक है, कमी में ये अंतर में 9 बट्टा 16, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ जो 9 बट्टा 16 हो गया कमी ऐसा, तो
इतना हो गया जो वाई बट्टा एक्स के बराबर है। अब बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो उधर जाएगा तो 9/16 बराबर में वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, इसलिए वाई बट्टा एक्स लेंगे तो 3/4। लेकिन बोले आपको तो एक्स बट्टा वाई निकालना, बोला ना मूल भिन्न क्या है, इसलिए एक्स बट्टा वाई जो निकलेगा 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 खोज लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ये आंसर। तो चलिए हम लोग आराम से ऐसे सारे क्वेश्चन को बना चुके हैं। ये आपका 1 to 25 क्वेश्चंस का सेट दिया जा रहा है। टेस्ट 1 हो चुका, डिस्कशन हो चुका, रिजल्ट दिया जा चुका। टेस्ट 2 हो चुका, रिजल्ट दिया जा चुका, डिस्कशन हो चुका। टेस्ट 3 आपको दिया गया है, जिसका भी यहाँ पर जो है रिजल्ट हो चुका, डिस्कशन आपका करा दिया गया। तो अच्छे से इन सारे को एक जगह पर कलेक्ट करेंगे, आपको फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले टेस्ट में।